नमस्कार दोस्तों, आपका केडीएच राजस्थान में स्वागत है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। सुजानगढ़ उपचुनाव का बिगुल बज चुका है, रणभेरी बज चुकी है और आज है 30 मार्च यानी कि नामांकन की आखिरी तारीख है और आज ही बड़ी पार्टियां जो कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों का नामांकन आज ही होने वाला है। अब से कुछ ही देर में इंडियन नेशनल कांग्रेस से प्रत्याशी मनोज मेघवाल, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री बार बार सुजानगढ़ से विधायक रहे स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल के पुत्र हैं, नामांकन के लिए एसडीएम कोर्ट यहां पर पहुंचने वाले हैं। गतिविधियां यहां पर तेज़ हो गई है और अब से कुछ ही देर में मनोज मेघवाल यहां पहुंचने वाले हैं नामांकन के लिए। उसके बाद थोड़ी देर में यहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल भी नामांकन आज दायर करेंगे। आज नामांकन की आखिरी तारीख है और गतिविधियाँ तेज़ हो गई है। और यहाँ सुजानगढ़ में लोहिया स्टेडियम में बताना चाहूँगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री सहित राजस्थान के कई कांग्रेस के दिग्गज नेता मंत्रीगण भी यहां पर मनोज मेघवाल के फेवर में यहां आम सभा को संबोधित करने के लिए, नामांकन रैली को संबोधित करने के लिए यहां पर पहुंचने वाले हैं। गतिविधियां बिल्कुल तेज हो चुकी है और अब से कुछ ही देर में मनोज मेघवाल यहां पहुंचने वाले हैं। आइए अवलोकन करते हैं। नामांकन के लिए कांग्रेस नेता पहुँच रहे हैं, कांग्रेस के नेतागण पहुँच चुके हैं नामांकन के लिए और कोरोना के चलते बिल्कुल प्रमुख नेतागण ही पहुँचे हैं। मनोज मेघवाल के साथ में विद्याधर बेनीवाल, उषाराम गोदारा साथ में हैं। मनोज मेघवाल उपखंड कार्यालय पहुंच चुके हैं नामांकन के लिए। मनोज मेघवाल पहुंच चुके हैं नामांकन के लिए उपखंड अधिकारी मूलचंद लुनिया के समक्ष। कोरोना गाइडलाइन के चलते मुख्य नेतागण ही साथ में पहुंचे हैं, जिनमें रामनारायण प्रजापत, उषाराम गोदारा, विद्याधर बेनीवाल कांग्रेस नेता साथ में हैं। मनोज मेघवाल फॉर्म चेक कर रहे हैं, वो खुद एडवोकेट हैं। नामांकन पत्र को जमा करने से पहले चेक किया जा रहा है अच्छी तरह से। कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण साथ में मौजूद हैं, विद्याधर बेनीवाल, उषाराम गोदारा, रामनारायण प्रजापत और राधेश्याम अग्रवाल। पर्चा दाखिल किया जा रहा है मनोज मेघवाल निर्वाचन अधिकारी मूलचंद लुनिया को सामने समक्ष नामांकन प्रस्तुत कर रहे हैं। मनोज मेघवाल के द्वारा नामांकन दाखिल कर दिया गया है। उपखंड अधिकारी कार्यालय का दृश्य है जहां पर कांग्रेस से प्रत्याशी मनोज मेघवाल ने अपना नामांकन दाखिल करवा दिया है और नामांकन की पूरी तरह से जांच की जा रही है, पर्चे की जांच की जा रही है और नामांकन दाखिल कर चुके कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागणों के साथ यहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन के चलते सीमित लोगों के साथ ही यहां पर पहुंचे हैं और अभी हम उनसे रूबरू होंगे, उनसे बातचीत भी करेंगे। सर, आज आपने नामांकन कर दिया, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे? हम जो विकास के मुद्दे हैं उन्हीं को लेकर आगे जाएंगे। जो विकास के कार्य चल रहे हैं वो वैसे अनवरत चल रहे हैं, विकास की ये यात्रा रुके नहीं, इसी को ध्येय मानते हुए हम इस चुनाव में जा रहे हैं। हमारा एजेंडा सिर्फ विकास, विकास और विकास है। ऐसा कोई काम जो भंवरलाल जी के जीवन में अधूरा रहा उसे पूरा करेंगे आप? ज़्यादातर काम हो चुके हैं। एक जो शहर में सीवरेज का काम है जो आधा हुआ है, आधे भाग में बाकी है, उसको पूरा कराने का काम करेंगे। कुछ मिसिंग लिंकें बची हुई है उनको पूरा करने की ग्रामीण विभाग में वो कोशिश करेंगे। गांव-गांव में पानी पहुंच गया, अब घर घर में जो पानी पहुंचाना है उस कार्य को हम पूरा करेंगे। सर, जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं और क्या कहेंगे इसके बारे में? बिल्कुल, जनता में इस बार कांग्रेस के मतदान करने के प्रति बड़ा उत्सुक है और उसे देखते हुए भारी वोटों से यहाँ कांग्रेस जीतने जा रही है। ये कहा जाए कि कांग्रेस अब एकजुट हो चुकी है? बिल्कुल, कांग्रेस एकजुट है, बिल्कुल आपको सामने दिख रहा है। ये चुनाव कितनी बड़ी चुनौती है? हर चुनाव चुनौती होता है, उसमें क्या है, प्रतिपक्ष अपना काम करेगा, हम अपना काम कर रहे हैं, हम हमारे मुद्दे लेके जनता के बीच में जाएंगे। आज सुजानगढ़ उपचुनाव के नामांकन की अंतिम तारीख है, आज 30 मार्च है और कांग्रेस से जो प्रत्याशी हैं स्वर्गीय मास्टर भंवरलाल मेघवाल, जिनके सुपुत्र मनोज मेघवाल ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हम जनता के बीच में विकास के मुद्दों को लेकर के
जनता के बीच में जाएंगे और उनका कहना है कि पक्ष में उनके माहौल है और यहाँ कुछ ही देर में अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वरिष्ठ नेताओं दिग्गज नेताओं के साथ पहुँचने वाले हैं और इस आम सभा को संबोधित करने वाले हैं। लोहिया स्टेडियम चलते हैं, आइए। निवेदन करूंगा, आज नामांकन के अंतिम तारीख सुजानगढ़ उपचुनाव को लेकर गतिविधियाँ तेज है। कांग्रेस से प्रत्याशी मनोज मेघवाल ने अभी चुनाव अधिकारी SDM कोर्ट पहुँचकर अपना नामांकन दाखिल करवाया है और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं लोहिया स्टेडियम में, जहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेतागण और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और सहित कई दिग्गज नेता यहां आम सभा को संबोधित करने के लिए पहुंच चुके हैं। और मेरे पीछे आप देखेंगे हजारों की संख्या में भीड़ जमा हो चुकी है, कांग्रेस के कार्यकर्ता और आमजन यहां पर उपस्थित हो चुके हैं, भारी संख्या में लोग उपस्थित हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता और आमजन भारी संख्या में उपस्थित हैं। लोहिया स्टेडियम का दृश्य है जहां पर सुजानगढ़ उपचुनाव को लेकर के आम सभा आयोजित की गई है, चुनावी सभा आयोजित की गई है। अध्यक्ष के नाते कि आप सबकी भावनाओं की कदर करते हुए आला कमान ने हमारे छोटे भाई मनोज को यहां से आपके बीच में कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार बनाया। तीन चीजें ध्यान में रखने की बात है, मास्टर भवनलाल जी रहते हुए जो मंत्री पद पर रहते हुए भी अपने विकास के काम कराए, उनसे 21 काम कराने का दायित्व है, हमारा सबका है, ये बात से निवेदन करना चाहता हूँ। दूसरी बात, आज के जो हालात हैं आप सबको पता है, भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से केंद्र के अंदर मोदी जी और अमित शाह किसानों के साथ में, गरीब के साथ में अत्याचार और अन्याय कर रहे हैं, काले कानून थोप रहे हैं, यहाँ पर महंगाई कम करने का वादा लेकर के वो केंद्र में सत्ता में बैठे थे। आज पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गए हैं, केस की क्या हालात है, किसान के जो काले कानून लाए आज 100 से अधिक हो गए, इनको सबक सिखाने के लिए आप सब और हम सब मिलकर के भाई मनोज को यहाँ से कांग्रेस पार्टी का विधायक के रूप में चुन करके राजस्थान के विधानसभा में भेजे। मैं आपको इतना विश्वास दिला सकता हूँ कि वो मनोज कुमार, वो मास्टर भवनलाल ने जिस मास्टर भवन होने दिया, कभी नाम उपयुक्त नहीं होने दिया, हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आपकी पीड़ा में साथ खड़े रहे हैं, आपके विकास में भागीदार बने हैं। अब समय आ गया है हम उनको सच्ची श्रद्धांजलि दें और भाई मनोज कुमार को यहाँ से विधानसभा में चुनाव जीता करके भेजे, आपके विकास भी काम भी होंगे और यहाँ का नाम रोशन करने का काम करेंगे भाई मनोज कुमार जी। मैं लंबी थोड़ी बात नहीं करता, एक बहुत ही सुलझे हुए व्यक्तित्व के धनी मनोज कुमार हैं, हमने देखा, वार्ड साहब को भी हमने देखा, उनके साथ भी हमने काम किया, मनोज कुमार को भी काफी दिन से देख रहे हैं, इतना सच्चा और सीधा इंसान है कि ये आपके हमेशा पीड़ा में सहायता देगा, आपके विकास के काम करेगा और मास्टर भवनलाल जी की कमी आपको नहीं करने देगा। ये जो विश्वास आप मनोज कुमार ने आपको दिलाया है इस पे आप पूरा विश्वास कर सकते हैं और आने वाले चुनाव में हम सबको मिलकर के मेहनत करनी पड़ेगी, गांव गांव जाना पड़ेगा, ढाणी ढाणी जाना पड़ेगा, माठ साहब के किए हुए कामों को बताना पड़ेगा और मनोज कुमार की हाथ मजबूत करके यहाँ से राजस्थान की विधानसभा में भेजने के लिए आज के बाद में हमको सोना नहीं है, आपके इस बात में हम सबको लग जाना है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं आपके पड़ोस का विधायक भी हूँ, पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी पार्टी आला कमान ने मुझे दे रखा है। आप समझ सकते हैं कि आदरणीय माकन साहब, मुख्यमंत्री जी, सचिन पायलट जी और हम सब आपके बीच में इसलिए आए हैं कि आपके लिए कभी भी किसी भी रूप में इस आने वाली इस सरकार में, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व के सरकार में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी और सुजानगढ़ होगा मेरे छोटे भाई के सम्मान करके हम सब लोग आगे चलेंगे और हम कामयाब होंगे। 2 साल में जिस प्रकार का काम हुआ, कोरोना का बेहतर मैनेजमेंट हुआ, जिस प्रकार से इस बार का बजट दिया गया, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में ऐसा बजट नहीं हुआ, किसी स्टेट ने बजट नहीं दिया जहाँ केंद्र की सरकार शिक्षा हो चाहे कृषि हो सबके ऊपर कटौती कर रही है और हमारे यहाँ पर राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने जो बजट पेश किया है एक से बढ़कर के एक अशोक गहलोत बातें विकास के काम आप सबके सामने बजट में दिए हैं और एक बात जो आज तक नहीं हुई जिसके लिए किसान वर्ग हमेशा कहता रहा था कि कृषि का अलग से बजट होना चाहिए, मोदी जी ने वादा करके मुकर गए। आज तीनों नामांकन ले लिया है, सारे के सारे लगे हुए हैं,
अपने को आज के बाद के सोना नहीं है। जब तक वोट नहीं बढ़ जाए 5 बजे तक 6 बजे तक जब तक भी है तब तक जिता करके बेटी में इतने वोटों से भर लीजिए। आज तो राजस्थान में सबसे बड़ी चर्चा है कि चारों चुनाव जब भी एक तीन हो रहे और यहाँ पर सुजानगढ़ में चहुमुखी विकास कराने के लिए भाई मनोज को और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को आप 17 तारीख को हाथ के मशीन के ऊपर बटन दबा करके यहाँ से भाई मनोज को विजय बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ में आगे भी जाना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वोट देते हुए बाट साहब जो 40 साल से आपकी सेवा कर रहे थे उनको आप जरूर एक बार सच्ची श्रद्धांजलि हुई होगी कि भाई मनोज को राजस्थान के विधानसभा में विधायक के रूप में बना करके भेजे। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। मेघवाल जी ना केवल सुजानगढ़ के ना केवल राजस्थान के बल्कि देश के अंदर एक बहुत बड़ा नाम बहुत बड़ी हस्ती बहुत बड़े नेता थे और आज उनके दिखाए हुए सपनों को पूरा करने के लिए मनोज मेघवाल को कांग्रेस पार्टी ने यहां पर से उम्मीदवार बनाया। मैं केवल दो बातें यहां पर कहना चाहता हूं और ये दोनों बातें मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के तौर पर सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नुमाइंदे के तौर के ऊपर यहां पर कहना चाहता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं पहली बार कि साथियों अगर आप लोग यहां पर इस चुनाव के अंदर मनोज मेघवाल जी को जिताते हैं कांग्रेस पार्टी को जिताते हैं तो ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है कि इस इलाके के अंदर चहुमुखी विकास किया जाए और पूरे राजस्थान में सबसे आगे निकल करके जाए। ये मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के तौर के ऊपर कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात कहना चाहता हूं यहां पर लगातार लोग कह रहे हैं मुझे दिल्ली के अंदर भी यहां पर भी कि राजस्थान के अंदर हम लोग विधानसभा के उपचुनाव जीत रहे। यहां पर मैं स्टेज पे भी देख रहा हूं नीचे भी देख रहा हूं हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं और ये भी बात मैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के तौर के ऊपर कहना चाहता हूं कि मैं खुद यहाँ पर विड्रॉल के बाद में चुनाव तक के मैं यहाँ पर रहने वाला हूँ। मेरे साथी और भी लोग यहाँ पे रहेंगे। हम एक एक चीज के ऊपर पैनी नजर रखे हुए हैं और जो भी साथी यहाँ पर कांग्रेस के यहाँ पर अच्छा काम कर रहे हैं मैं उनको कहना चाहता हूँ कि उनकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। हमारे राजस्थान सरकार में संगठन के अंदर उनको उचित तरीके से पुरस्कृत किया जाएगा ये भी मैं कहना चाहता हूँ। और इन शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों से फिर से अनुरोध करना चाहता हूँ मास्टर जी की याद में मास्टर जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए और लगभग 4 दशक से ज्यादा जो उनकी सच्ची सेवा आप लोगों के लिए करी है उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी और मनोज मेघवाल को आप लोग वोट देकर के जिताए और उसके बाद भूल जाए। इस इलाके का विकास का काम कांग्रेस पार्टी देखेगी। कांग्रेस के ऊपर से लेकर के नीचे तक सारा का सारा नेतृत्व उसके ऊपर नजर रख करके यहाँ पर विकास का काम कराएगा ये गारंटी हम लोग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से आपको देना चाहते हैं। पहले जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी उस समय सुजानगढ़ के बहुत सारे कार्यों का लोकार्पण किया था और उस समय मुख्यमंत्री महोदय ने कहा था कि आपके विधायक के रूप में राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आपकी सेवा करेगा। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं संबोधन करने के लिए। दूसरी बार आपको आने का मौका मिला और आज फॉर्म बन गया है आप सबके आशीर्वाद से भगवान ने उपचुनाव के लिए और ये ठीक काम लॉकडाउन है सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी मास्टर रामदास जी को भी और वही विनोद जी बेगवाल को। कहता था कि मास्टर जी की सेवा करते करते अचानक ही प्रधान मेघवाल जी इस प्रकार हमारे पास चले जाए। मास्टर कमला जी को भी बना थे आप लोगों का लंबे अरसे बहुत आशीर्वाद रहा आपका स्नेह मिला विश्वास मिला इस काम से बना थी जरूर बनी हो भगवान का बार बार विधायक बने मंत्री बने उत्तर आपके आशीर्वाद के बताओ
इसीलिए आज आप इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो यहाँ बैठे हुए हैं हम आगे मान्य दफ्तर पर, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और आपको अपील करूँगा कि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि लोकतंत्र में वोटों का राज जो है, जब आप वोट देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तब जाकर के कोई गाँव का चलते हैं जो चाहे वो आज बैंक हो चाहे मेरे हो चाहे पी ओ जीत चुका है। और ये व्यवस्था कांग्रेस लागू करी देश के अंदर, खुशी है चिंतित आगे बाद में जब हम लोकतंत्र का स्थापन लगातार मजबूत करते आ रहे हैं। अभी जो गाँव देश में है वो बहुत ही ऐसा माहौल बन गया है, अगर ऐसे बती है आपकी सरकार की केंद्र सरकार की, अगर आलोचना करते हो केंद्र सरकार की तो आप फिर दूर हो जाते, पत्रकार के लिए हमारे हुई सामान्य कार्यकर्ता दे रहे थे। इस माहौल के अंदर चुनाव हो रहे हैं पाँच राज्यों, पंजाब हो रहा, असम हो रहा है, तमिलनाडु में पंडिचेरी में कई जगह उपचुनाव हो रहे हैं, राजस्थान में भी चार चुनाव होने थी, एक चुनाव उतना का रोक दिया गया और तीन चुनाव हो गए। एक अपने चुनाव में चुनू में चाहूँगा कि आपका आशीर्वाद मिलता है और तमाम चुनाव हम जीत गए, तीन चुनाव तो आप सोच सकते हो कि क्या इतना बड़ा फर्क पड़ेगा। तो क्या आपके अभी ढाई पाँच दिन साथ चलेंगे, इस प्रकार एक दोस्तों ने कहा, हम लोग हमेशा विकार के नाम पर आपको अपील करते हैं कि आपका आशीर्वाद मिले, सुशासन के नाम पर आप अपील करते हैं तो आपका आशीर्वाद मिले, कांग्रेस कामयाब हो। और मनोज कह रहे थे आपको जब आपके आशीर्वाद में दूसरी बार मुख्यमंत्री बना था, मुझे याद है कि आपने योजना 1,000 करोड़ की जमाने का निर्धारण बहुत बड़ी बात, हम लोगों ने बैठने में संकल्प करी, काम शुरू किए, योजना लागू हो गई। अब जो जल जीवन मिशन आया है घर घर जन वाला, उसका काम भी हम शुरू करवा रहे हैं। राजपाल भवन देखिए शुरू हो गया है, इंग्लिश शुरू हो गया, हम चाहेंगे कि टाइम बाउंड तरीके से इस प्रकार के इस प्रकार से हम लोग पानी पहुँचा घर घर, ये हमारे दूर काम है। इसी में आपको निवेदन करना चाहूँगा, कृपा करके आप दिमाग में रखते हैं, अगर ये चुनाव तो आप बीजेपी जीता रहते हो तो उनका बहुत सारे लोग है भी हाउस में, बहुत सारे एक संख्या बढ़ जाएगी, जितने उत्तर हो जाएगी उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला। अगर आप कांग्रेस जिताते हो उसके माने हैं पूरे प्रदेश में पटवारी, ग्राम सेवक, तहसीलदार, एसडीओ, कलेक्टर, एसपी, अधिकारी, कर्मचारी उन सब में भावना पैदा होती सरकार बहुत मजबूत है, सरकार का विश्वास जनता का विश्वास सरकार के साथ में है और वो मजबूती की सेवा करते हैं, गांव वालों को मान सम्मान देते हैं। जरूरी लोकतंत्र में सरकार आपकी है, आप उसको मजबूत करोगे तो आने वाले वक्त में अभी दूतावास कह रहे थे शानदार बजट पेश हमने किया है कोरोना काल के अंदर की अर्थव्यवस्था केंद्र की भी राज्यों की पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, उस वक्त इस प्रकार से शानदार बजट पेश करने की उम्मीद किसी को नहीं, उम्मीद करते थे पता नहीं क्या होगा, हमने कोई कमी नहीं रखी, चाहे स्वास्थ्य सेवाएं हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, तो करीब लगभग 100 करोड़ पहुंचे हम लोगों ने,
पहले कॉलेज खोल दी माता के नाम ले तो उन्हें चारों विधायक हमारे हमारे जीतते रहे चार जगह हम लोगों ने महिला कॉलेज खोली उनके नाम और एक और की है। अब कोई क्षेत्र में अगर अगली बार 500 लड़के जहाँ पढ़ेंगे स्कूल के अंदर उन स्कूल को कॉलेज बना दिया जाएगा, ये मेरी घोषणा है चुनाव इसके माने है कि लड़कियों की शिक्षा पर हम जोर देना चाहते हैं लड़कों के साथ साथ। और मैं आप सबको ही कहना चाहूँगा कि आप गाँव गाँव में लड़कियों को पढ़ाना प्रारंभ करें, कई परिवार वाले बेहतर नहीं बड़े शहरों में तो लड़कियों को अपनी बच्चियों को अब जो स्कूल है गाँव में है कस्बों में है जहाँ भी है 500 बच्चे भर्ती कर दोगे वहाँ अगली साल हम लोग कॉलेज बना देंगे स्कूल बना देंगे। इस प्रकार से कई ऐसी योजनाएं हम लोग लागू कर रहे हैं। परसों से 1 तारीख से जैसा आपको मालूम है कि हमने पहले दवाएं फ्री कर रखी है राजस्थान के अंदर टैक्स फ्री कर रखे हैं, फिर आयुष्मान महात्मा गांधी स्वास्थ्य बीमा योजना ले जाए हम लोग जिसमें चाहे भामाशाह योजना थी चाहे आयुष्मान भारत सरकार योजना थी जो गिरा दिया था चाहे ज़्यादा पैसा हमें खर्च करना पड़ेगा रास्तों सरकार को उसी प्रणाली के लिए हमने अब हमने कदम उठाया है। परसों से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा जिसका पहले रजिस्ट्रेशन है खाली सुरक्षा के अंदर उसको जो तरीके वापस रजिस्ट्रेशन कराने की बाकी लोग रजिस्ट्रेशन करवा देंगे उसके बाद पूरे प्रदेश का होगा। हिंदुस्तान में एकमात्र राजस्थान राज्य है जहाँ पर हमने तय किया है 3,000 करोड़ खर्च करेगी सरकार, सिर्फ 400 करोड़ मिलेंगे केंद्र सरकार से आयुष्मान भारत वाले, बाकी पैसा हमने मंजूर किया खर्च करना, परंतु पूरे प्रदेशवासियों का चाहे वो गरीब है अमीर है कोई है सबका परिवार का 5 लाख का बीमा हो जाएगा बीमारी के इलाज का। ही मैं कहना चाहता हूँ 1 तारीख रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, 10 दिन तक तो ग्राम पंचायत में कैंप लगेंगे उसके बाद आप खुद भी चाहें तो अपने घर पे या ई मित्र पे कहीं पे भी करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। हमारे नौजवान बच्चों को उसके मोबाइल फोन पे कंप्यूटर पे कर लेंगे उसको रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो 5 लाख हर परिवार का बीमा और जब पैसा वाला वही है तो खाली उसको 850 रुपये देने पड़ेंगे तो उसका भी 5 लाख बीमा होगा। इसका मतलब पूरे राजस्थान के प्रदेशवासियों के लगभग 7 करोड़ की जनता जो है उन सबका बीमा हो जाएगा। इस प्रकार मैं कहना चाहूँगा आपको कि एक के बाद एक बढ़ के हमने योजनाएं प्रारंभ की है, आप अखबार पढ़ते होंगे, मैं उनको वापस रिपीट नहीं करना चाहता। अभी हमारे जो आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं जो OBC में नहीं आते हैं SC ST में नहीं आते हैं MBC में नहीं आते हैं उनको भी हमने छूट दी है। पहले जो 8 लाख तक है इनको भी छूट थी, उसके पहले की अड़चने थी मकान जायदाद जायदाद जमीन जायदाद वो खत्म करी, अभी हम लोगों ने खत्म कर दिया है तो उनका भी SC ST OBC के तहत आयु सीमा में भी और फीस के अंदर भी छूट मिलेगी। ये बड़ा फैसला भी हमने किया छत्तीस तो के लिए। इस प्रकार से बहुत फैसले होने चाहिए, कई 80,000 के आसपास नौकरी लग गई है, 70,000 प्रक्रिया में हैं बच्चों के लिए, कई हमारे छात्र और नौजवान सरकार में मांग करते रहते हैं और सरकार भी बराबर कोशिश करती है किस प्रकार से इन मांगों को पूरा करना, कई मांगे ऐसी होती जो कि एक साथ कर नहीं सकते तो हमने कोई भेदभाव नहीं किया, हर चीज का बारीकी से हमने अध्ययन किया। अभी जब कोरोना आ गया कोरोना तो देश के अंदर नंबर 1 पर है राजस्थान जहाँ शानदार कोरोना का मैनेजमेंट हुआ, सबसे कम मृत्यु दर राजस्थान में रही है, सबसे अच्छी जो है ठीक होने की दर वो राजस्थान की थी और जो हमने केंद्र सरकार ने जो मेडिकल के डॉक्टर नर्सें थे उनके लिए कहा 50 लाख मिलेंगे अगर इनको कोरोना से मृत्यु हो जाती है तो पूरा करते हैं।
हमने ये कदम आगे बढ़ा के कहा कि राजस्थान में कोई कर्मचारी जो कोरोना के अंदर काम कर रहा है, सेवा कर रहा है गरीबों की, आम आदमी की, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे संविदा कर्मी हो, ANM हो, आशा सहयोगी हो, आंगनवाड़ी वर्कर कोई हो, उन सबको हम लोग 50 लाख रुपए देंगे अगर उनकी मृत्यु हो जाती है कोरोना की सेवा करते हैं। ये पहला फैसला हम लोगों द्वारा बैंक है, पर अभी हमने फैसला किया है क्योंकि राशन की दुकान चलाई, राशन की दुकान वालों ने कोरोना काल के अंदर भी, और पत्रकार लोग भी बराबर कवरेज कर रहे थे, जा रहा है भाई काम कोरोना का इलाज ठीक हो रहा है नहीं हो रहा है, पूरा में क्या तकलीफ है, कोई कमी तो नहीं, ऑक्सीजन की कमी तो नहीं है, आईसीयू बेड की कमी तो नहीं है, टेस्टिंग की सुविधा कैसी है। तो हमने ये फैसला किया कि चाहे पत्रकार हो और चाहे वो राशन का डीलर हो, उनको ही अगर कोई डेथ हो जाती है तो उस डेट से लागू किया, जब कोरोना शुरू हुआ था 1 साल पहले तब से लागू कर दिया, पुराने डेट से उनको 50 लाख रुपए मिलेंगे अगर कोरोना की सेवा करते हुए मृत्यु हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि तमाम काम जो हम कर रहे हैं, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, बहुत लंबी फहरिस्त है, कई इससे फैसले किए होंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता था, बजट के अंदर हम चाहेंगे कि आप सबके आशीर्वाद से ये चुनाव जो हम लड़ने जा रहे हैं, ये आपके यहाँ काफ़ी बातें बताइए, ओवरब्रिज का काम 60-65 करोड़ का हो रहा है सिलेंडर के अंदर, जो मांगा मनोज ने वो हमने किया है, और आगे भी मैं कहना चाहूँगा आपकी भावना के अनुरूप जो मांगे होगी आपके क्षेत्र की, जो मास्टर साहब तो बहुत ही पुराने अनुभवी थे, हम लोगों दोनों ने राजनीति जीवन साथ साथ शुरू किया, 73 में वो भी खड़े हुए चुनाव में चुनाव थे विधानसभा का, और 77 में हमें भी खड़ा हुआ चुनाव में जोधपुर से MLA के लिए, 80 में मैं MP बन गया, वो MLA बन गया, लगातार हम लोग 40-45 साल से आप देख रहे हो काम का, मार साहब का अनुभव तो उनका था, तो मनोज के विचार आपने सुने ये भी कम नहीं है, उनके अनुभव इन्होंने लिए हैं, और जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, लतासा जी ने, हम सब इनका ख्याल रखेंगे, जो जो मांगे आपके आपकी होगी इनके थ्रू रहेंगे आप, हम चाहेंगे कि सिलांगढ़ का विकास, चौमुखी विकास जो महाराष्ट्र का सपना था अधूरा, उसको पूरा करें हम लोग, तो कमी हमें देंगे, ये हम आपसे वादा करना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि मांगे तो बहुत सारी है, और आपके नगर परिषद के अध्यक्ष देने के काम भी है, ऑटो के काम है बजट के लिए, पैकिंग के काम इंडोर स्टेडियम के सौंदर्यकरण है, अभी तो आधा हजार लागू की हुई है, इसलिए हम लोग कोई नई मांग को मंजूर कर नहीं सकते, आप सब समझदार हैं बातों, तो जो भी आपकी अधिकारी बातें होंगी आप निश्चिंत रहो, चुनाव के बाद में आप इनको कामयाब करो, अपना आशीर्वाद दो, जिताओ, उसके बाद हमारे को छोड़ दो, विशेष ध्यान रखा जाएगा, ये मैं आपके वादा कर पाता हूँ। मैं आपको कहने जाऊंगा कि इस प्रकार से हम चाहेंगे कि जो आज तक सुशासन चला है राजस्थान में, 2 साल पूरे हो गए हमें काम करते हुए, कई वादे हमने पूरे किए हैं, कई वादे पूरे करना चाहते हैं, हमारा घोषणा पत्र है वो हमारा दस्तावेज है काम करने का, इस प्रकार हम चाहेंगे बजाय कि बीजेपी के नेता लोग जो आलोचना करते रहते हैं सोशल मीडिया के अंदर, वो अपनी निम्न स्तर की आलोचना करते हैं, उनके पास धन की कमी नहीं है, उनकी पार्टी की धनवान हो गई है, आज बीजेपी पार्टी दुनिया में सब को असूल नहीं निकाला है, कभी नोटबंदी कर देते हैं, कभी धमका देंगे सुनिश्चित को, इनके तरीका नहीं है, अभी इलेक्टोरल बोर्ड लेके आ गए, और वो भी थी सुप्रीम कोर्ट
स्टैंड करने का बड़ी उम्मीद थी, नहीं किया उन्होंने। एक इंडस्ट्री 100 करोड़ का बॉन्ड निकालता है, 95 करोड़ देता है बीजेपी को, 5 करोड़ बांटता है कांग्रेस में, सीपीएम में, सीपीआई में, सपा में, बसपा में। कहां जा रहा देश? लोकतंत्र में बराबर की लड़ाई नहीं होगी सब तरह से, तो लोकतंत्र मजबूत कैसे होगा? लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवश्यक है विपक्षी पार्टी मजबूत रहे। हम तो राष्ट्र में स्वागत करते हैं विपक्ष का, अगर वो तथ्यों के आधार पर आलोचना करते हैं सरकार की, हमें खुशी होती है क्योंकि हमें उसको इम्प्रूव करने का मौका मिलता है। हमारी कमियां कोई है बताए वो हमारी आलोचना करें, हम कोई अहम घमंड से नहीं चलेंगे। हम लोग हम उनकी कमियां बताई उनको ध्यान देंगे ठीक करेंगे, ये हमारा तरीका काम है। उनका तरीका क्या है जो देख रहा किसान मेरे 4 महीने से, ये उनका तरीका है। अरे सरकार जिन्हें सरकार का विचित करती है क्या, जिनके आशीर्वाद से आप जीत के आए हो, किसानों के आशीर्वाद से भारी बहुमत मिला आपको पार्लियामेंट के अंदर, आज किसान ठंड के अंदर मर गए, 300 किसान मारे गए हैं, आज भी बॉर्डर बैठे हैं वो लोग और सरकार भी समय नहीं आ रही, जीत पैड़ी हुई है। आज उनके लिए आप बात करते हो किसान की, आप उन बिल को खत्म कर दीजिए, बुला के बात कीजिए उनसे, विपक्षी पार्टी में बात कीजिए, पार्लियामेंट बहस करवा लीजिए और नए बिल लेके आ जाइए, क्या फर्क पड़ जाएगा आपका? और लागू कर नहीं पाएंगे इस माहौल के अंदर, केंद्र सरकार उन तीनों कानूनों को कभी लागू कर ही नहीं पाएगी। लागू करना क्या सकता कितनी कोशिश करें लागू नहीं कर पाएंगे। जिनकी इतनी बात करता है वो किसान कहता है हमारी इतनी नहीं मिली है, किसान भुगत रहा है देश का, पूरी दुनिया देख रही है। जहाँ पहले मोदी जी का स्वागत होता था अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, जापान में, सब जगह स्वागत कर रहा है मोदी, पर आज आप देखिए वहां क्या हो रहा है, वहां के अखबार भरे पड़े रहते हैं आलोचना कर रहे हैं मोदी जी की सरकार। आज लोकतंत्र सीमित रहा है हिंदुस्तान के अंदर, अमेरिका में जापान का अखबार हो, चाहे वो स्वीडन के अखबार हो, सब अखबार हुए आलोचना करना चाहिए। ये जो तरीका है सोच का, कांग्रेस की सोच में इनकी सोच में ही फर्क है। कांग्रेस की सोच तो महात्मा गांधी की दी हुई है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर अम्बेडकर के जमाने का संविधान, उसके आधार पर हम लोग सेक्टर साल काम कर रहे हैं। क्या बांग्लादेश आजाद करवा दिया इंदिरा गांधी ने, पाकिस्तान नहीं बनने दिया, पंजाब के अंदर खुद ही जान दे दी, प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए सीधा छंदी कर दिया, उनको मंजूर हुआ पर उन्होंने पाकिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए देश के, ये त्याग बलिदान की कहानी है तो कांग्रेस के साथ जुड़ी हुई है। ये सत्ता में आ गए हैं, सत्ता आने के बाद में आज ये अहम घमंड के साथ शासन करना चाहते और लोकतंत्र वोटों में आज में जनता जो है अच्छा अच्छा का गमन क्यों क्यों कर लेती है, पहले भी कर दिया। मैं कहना चाहूंगा कृपा करके चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान में गरीबों का, किसानों का, दलितों का, पिछड़ों का, छत्तीसगढ़ गांव का, उनके हितों की रक्षा करने के लिए आपको चाहिए। जो हमने विकास किया है उसके नाम का वोट मांगते हैं आपसे, और बीजेपी नेता आपको गुमराह करेंगे, आकर के मीटिंग करेंगे, इतना पैसा उनके पास में है, जनता के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं, आपको उनको करार जवाब देना है, ये मेरी आपसे अपील रहेगी। और इन्हीं सुखों के साथ में पुनः आपसे कहना चाहूंगा कि आप इच्छुक रहे, हम लोग कोई कमी नहीं रखेंगे आगे भी काम करने में, जो वादे किए वो भी, और जो आप हमें सुझाव देंगे वो भी मानेंगे और जमकर के आपकी सेवा करेंगे। इस बात का मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मैं धन्यवाद के लिए भूषा राम जी गुजारा से निवेदन करूंगा जी आए और सभा को धन्यवाद ज्ञापित करें। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज यहां लोहिया स्टेडियम में कांग्रेस के कई दिग्गज नेता यहां पहुंचे लोहिया स्टेडियम में और आम सभा को, जो नामांकन जनसभा है, उसको संबोधित किया, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अजय माकन, राजस्थान प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट पूर्व उप मुख्यमंत्री सहित कई दिग्गज नेता कांग्रेस के मंच पर पहुंचे और इस जनसभा को संबोधित किया और कहा कि जो वादे कांग्रेस ने किए हैं, वो वादे, जो घोषणाएं जो उन्होंने की है, वो घोषणाएं सुजानगढ़ को लेकर जो भी की है वो पूरी की जाएगी और आगे भी जो मनोज मेघवाल के द्वारा सुझाव उनके द्वारा पहुंचाया जाएगा उन्हें भी पूरा किया जाएगा। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विश्वास दिलाया कि वो पूरी तरह से मनोज मेघवाल के हर सुझाव के साथ हैं। मैं नागेश कुमार कौशिक अपने कैमरामैन सहयोगी अनिल प्रजापत के साथ, लगातार चुनावी कवरेज चलती रहेगी, बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।